एज अ गर्ल हमारे माँ बाप हमें इसलिए पैदा नहीं करते हैं, इसलिए बड़ा नहीं करते हैं, इसलिए हमारी 26 साल तक इसलिए उस डॉक्टर की परवरिश नहीं की गई थी कि आप जैसे लड़के जो होते हैं वो हमारा आके इस तरह फायदा उठाएं और हमारा रेप किया जाए। हमारे माँ बाप हमें इसलिए बिल्कुल पैदा नहीं करते कि आप हमें इस तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करके किसी ब्रिज के नीचे जिंदा जलाकर फेंक दें। हमें इसलिए पैदा नहीं किया गया। जितनी फ्रीडम और जितने राइट्स आपके पास है उतनी हमारे पास है, तो ये बहुत जरूरी है। आपकी भी बहन हो सकती है, आपकी भी बेटी हो सकती है, आपकी भी बहू हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि वो दूसरे किसी पुरुष के सामने सिक्योर और सहज महसूस करें, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप पहले हमको इतना स्पेस दें, हमें उतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं कि हम भी आपके सामने उतना ही सिक्योर फील करें। ये जो हुआ है उनको इनकाउंटर कर दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए था। उन्हें उसी प्रकार जिंदा जला देना चाहिए था जिस प्रकार उसने किसी लड़की को जलाया था। छोटी सी भी चोट लग जाती है तो हमारी जान निकल जाती है, तो उसे तो जिंदा जला दिया गया। इस वजह से पूरे बीच चौराहे पे उसे वैसे ही जिंदा जला के तड़पा तड़पा के मारना चाहिए था। जिस तरीके से उस लड़की को मारा गया था उसी तरीके से यदि उन लोग को भी मारते तो लोगों को लगता तो उनको ये करने से पहले सोचते, हजार बार सोचते कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन सरकार कोई एक्शन ही नहीं लेती है कभी भी। छोटे से लेके बड़े तक के साथ इतना घिनौना काम किया जा रहा है, ये कितनी बड़ी घटना है। रूह काट जाती है, इस तरीके से जलाया जाता है क्या? उनको भी ऐसे ही जलाना था तब बहुत ज्यादा खुशी होती।